मेरा नाम डॉक्टर अतुलाल वाजपेयी है। मैं इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं मस्तिष्क और उससे संबंधित रोगों का निदान एवं उपचार करता हूँ। विगत कई वर्षों से, एक दशक से हम इस क्षेत्र में स्ट्रोक, लकवा या पक्षाघात के साथ साथ अन्य न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे एपिलेप्सी, हेडेक, मूवमेंट डिसऑर्डर, पार्किंसन डिजीज, मस्तिष्क के इन्फेक्शन, जन्मजात बीमारियां, इन सभी में कार्य करते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली स्ट्रोक सेंटर, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर है पैसिफिक सेंटर ऑफ न्यूरोसाइंसेज में, वो अपने आप में भारत के अग्रणी स्ट्रोक सेंटर्स में उसका शुमार होता है। और ये मुझे कहते हुए बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि शायद मस्तिष्क की जो एंजियोग्राफी आज से तकरीबन 16-17 साल पहले सर्वप्रथम प्रदेश में हमारे यहाँ शुरू हुई थी, और मस्तिष्क से संबंधित एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कॉइलिंग, एम्बोलाइजेशन, ये सभी एक बेहतरीन कैथ लैब जो है यहाँ पर उसके माध्यम से संपन्न होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक विज़न होना चाहिए बनाने के लिए, जो श्री राहुल अग्रवाल एवं उनके परिवार के द्वारा पूरी तरह से एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देते हुए हमें वो प्रोवाइड किया गया। विज़न, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर, एंड वी हैव टीम ऑफ ऑलमोस्ट 50 न्यूरोसाइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, और उनके साथ मिलके राउंड द क्लॉक हम स्ट्रोक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रोक, लकवा या पक्षाघात के लक्षण सामान्यतः, जैसे WHO जो बोलता है फास्ट, F स्टैंड फॉर सडन ऑनसेट ऑफ फेशियल वीकनेस, चेहरे पे अचानक कोई कमजोरी या टेढ़ापन आए। A स्टैंड फॉर सडन ऑनसेट ऑफ आर्म और लेग वीकनेस, अगर अचानक हाथ पाँव में सुन्नता या कमजोरी आए। S स्टैंड फॉर स्पीच चेंजेस, भाषा को बोलने या समझने में अगर सडनली कोई प्रॉब्लम आए तो वो पक्षाघात, स्ट्रोक या लकवा के सिम्टम हो सकते हैं। ये गौर करने जैसी बात है कि ये टी जो होता है, टी मतलब टाइमली इंटरवेंशन, किसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर में आप समय पे इलाज ले सकें, क्योंकि मस्तिष्क जो डैमेज होता है वो अनफॉर्चुनेटली दोबारा नहीं बनता है। तो जो समय पे इलाज है, तीन प्रकार के मुख्य चीज़ें होती हैं लकवे के इलाज में। पहली चीज़ है कि अगर आप 4.5 घंटे के अंदर आते हैं तो एक सिंपल क्लॉट बस्टिंग ड्रग IVDP जिसे बोलते हैं, उसके माध्यम से लकवे को न सिर्फ रिवर्स कर सकते हैं बल्कि काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट 6 घंटे या इवन कुछ केसेस में 24 घंटे तक भी अगर लकवे का मरीज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर में आता है, तो ये देखते हैं मस्तिष्क की एंजियोग्राफी करके कि कहाँ पर ब्लॉकेज है, कहाँ रुकावट है। तो एक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के प्रोसीजर के नाम से, जो इसमें स्टेंट रिट्रीवल डिवाइस यूज़ करते हैं, हम उस थक्के को निकाल सकते हैं और रक्त प्रवाह को मस्तिष्क में सुचारू रूप से पुनः चालू कर सकते हैं। तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, IV थ्रोम्बोलिसिस, और तीसरा है कि स्ट्रोक यूनिट का होना। स्ट्रोक यूनिट एक डेडिकेटेड वो एरिया होता है जहाँ पे समस्त लकवों के मरीजों को रखा जाता है, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जैसे सही मात्रा में उनको न्यूट्रिशन देना, कैलरीज देना, कसरत कराना, उनकी पोजिशनिंग करना, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, उनके मस्तिष्क के प्रेशर को एक पर्टिकुलर रेंज में रखना। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, समय पे जो इलाज मिलता है इससे न सिर्फ ब्रेन में आगे बढ़ने वाली क्षति को रोक सकते हैं, बल्कि काफ़ी हद तक ये पाया गया है कि स्ट्रोक यूनिट में इलाज करना एक ICU या वार्ड में इलाज करने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है, और मरीज की रिकवरी में, अपंगता बचाने में बहुत सहायक होता है। जैसा कि विदित है कि लकवा हमारे देश में शारीरिक अपंगता का सबसे बड़ा कारण है एवं मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तो ये भास्कर के साथ जो एक कैंपेन चलाया है अब अस्पताल गांव की ओर, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जागरूकता का एक जो प्रचार प्रसार किया जाए लकवे के बारे में। मुझे बड़ा हर्ष होता है, हमने आज से कई वर्षों पहले जब आवरी माता मंदिर में कैंप किया था, उससे कई लोगों को फ़ायदा हुआ। उस मंदिर के चीफ प्रीस्ट को भी मैंने जब इलाज किया था, वो समय पर पहुँच पाए अस्पताल और उनको लकवा और अपंगता से हम बचा पाए। तो ये जानकारी होना और मॉडर्न फैसिलिटीज़ होना एक अलग बात है। आज इस अस्पताल में, न्यूरोसाइंस सेंटर में, शायद सारी आधुनिक उपकरण और विधाएं हैं, पर मरीज समय में पहुंचे उसके लिए हमें वी हैव टू रीच टू द रिमोटेस्ट प्लेस एंड एजुकेट पीपल दैट व्हाट द मॉडर्न ट्रीटमेंट इज स्ट्रोक ऑल अबाउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्ट का फैक्टर मैं समझता हूँ हमारे देश में, जहाँ मैक्सिमम लोगों को अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। तो काफ़ी सब्सिडाइज किए गए इस इंस्टीट्यूट में,
और कुछ हद तक अगर जो बिल्कुल ही जेन्युइन नॉन अफोर्डिंग होते हैं उनको निःशुल्क सुविधा भी प्रदान करते हैं। बट समझने की बात यह है कि न तो पैसा बचा सकता है अपंगता को, नहीं द ओनली थिंग दैट कैन सेव इज टाइम। सो टाइम इज पे, समय पे आए, अपंगता बचाएं। तो ये एक अभियान कई वर्षों से हम चला रहे हैं, उसी को पैसिफिक ने आज वापस पुनर्जीवित करते हुए एक नई दिशा, नए फ्लेवर के साथ दोबारा शुरू किया है। तो मेरा आपसे यही मैसेज है, आइए हम सब लोग मिलकर इसको करें और कोशिश करें अब लगवा और नहीं जो अभियान है उसको सही मायनों में चरितार्थ कर पाए। थैंक यू वेरी मच।